अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ नई किताब के साथ। मैं हूँ शुमैला हुसैन और किताब है हाजिर अल्लाह साईं। लिखने वाले हैं अरशद मलिक। और अरशद मलिक कौन है? अरशद मलिक को अमूमन अक्सर लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और इस्लामाबाद पिंडी के हलकों में जाना पहचाना नाम है। रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस पिंडी में इनका अपना इदारा है जहाँ से किताब इन्होंने शाया की है। ये इनका हज का सफ़रनामा है और पढ़ते हुए आपको भी महसूस होगा कि जैसे आप मुमताज़ मुफ्ती साहब की लबैक एक बार फिर आपकी नज़रों से गुजर रही है। लेकिन यहाँ आपने थोड़ा सा इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा कि लबैक जो है वो बहुत ज़्यादा फिक्शनाइज है, वो सफ़रनामा बहुत ज़्यादा उसमें फ़िक्शन का अमल दखल है, वो ऐसा महसूस होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अरशद मलिक साहब के सफ़रनामे में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि उन्होंने जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके एहसास हैं, जज्बात हैं, जो अल्लाह के हाँ अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के वक्त उन पर जो गुजर रही थी और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम के दरबार में जो उन पर गुजरी, उन्होंने बहुत खूबसूरती, बहुत सादगी और बहुत सादा उसलूब के साथ हमारे सामने रख दिया। और इसे पढ़ते हुए कई बार जज्बाती भी होते हैं हम, क्योंकि हमारी भी जुड़त बहरहाल इन्हीं मकामात के साथ है, इन्हीं शख्सियात के साथ है जिनका इसमें बार बार जिक्र है। अच्छा, इस किताब के जो खूबसूरत दो चार वाक्यात हैं उनमें से कुछ का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि इसमें एक वाक्या है कि जिसमें दो तीन वाक़ात ऐसे हैं कि अरशद मलिक साहब जिसमें मुसन्निफ़ जो हैं वो लोगों की मदद करते हैं, वो अरब की तहजीब को भी देख रहे हैं, वो एक गहरी निगाह के साथ, एक शायर की निगाह के साथ उन चीज़ों को बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और इसका वर्मला इजहार भी करते हैं। और सबसे प्यारी बात जो इस किताब की है कि अपने जज्बात के इजहार के लिए चूँकि शायर हैं मुसन्निफ़, तो उन्होंने अब शायरी के ज़रिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात इस वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ उन्हें लगा तो अल्लाह की ज़ात को, नबी की ज़ात को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बिल्कुल एक महबूब की तरह रख के शायरी की है। इसके कुछ कोटेशंस मैं शेयर करूँगी, बल्कि नहीं, मैं आपको इनकी शायरी, एक नज़्म है जो बहुत खूबसूरत लगी मुझे इस सारे में, वो मैं पेश करना चाहूँगी। कहते हैं, देख उदासी, देख उदासी, हम दोनों भी एक जैसे हैं, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल खोए खोए और सहमे सहमे। देख रही पगली, यूं तो उम्र नहीं कटती ना, दिल को सांस की थपकी से सहलाते हैं। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी इस नज़्म में आखिरी मिसरा कि दिल को सांस की थपकी से सहलाते हैं, मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन भी किया। अच्छा, आगे चल के कुछ वाक़ियात हैं जिनमें मुझे भी कुछ बातें, कुछ पंक्तियाँ सूझी कि भाई एक जगह पे जहाँ अरशद मलिक साहब जो है वो जिक्र करते हैं कि वो रिजम का जो एक वो रिचुअल है शैतान को कंकरियाँ मारने वाला, वहाँ जब वो कह रहे थे, मतलब उन्होंने एक बात की, इसको मैं यहाँ कोट करूँगी, आप भी सुनिए, थोड़ा लुत्फ़ानंदोज़ भी होइए। कहते हैं कि शैतान पर उन्हें गुस्सा था ना, कहते शैतान को मतलूबा तादाद से ज़्यादा कंकरियाँ नहीं मारी जा सकती, हाँ अगर कोई मिस हो जाए तो इसी के बदले में एक कंकरी का इजाफा करके तादाद पूरी की जा सकती है। अगर यह पाबंदी ना हो तो मैं कंकरियाँ रेड़ी में भर कर ले जाता और इतनी ही कंकरियाँ मारता जितने काम उसने मुझसे करवाए थे। अच्छा, एक तो ये बात, बाकी जो मेरे दिमाग में आपके दिमाग में भी आ चुका होगा, अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे चल के अगले सफ़ात में वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना। उसमें कहते हैं, मैं रास्ते में ये बात भी सोच रहा था कि कंकरियाँ तो हमारे लिए छोटी सी हैं मगर शैतान के लिए तोपों से कम नहीं होंगी, यानी तोपों से कम नहीं होंगी। इस पर जो मेरे जहन में एक बात आई वो ये कि हाँ, शैतान सोचता होगा कि ये बने हुए इंसान मुझे कंकरियाँ मारने के लिए आता है तो आगे से शायद कभी बेचारा कह ही देता होगा कि सजना ने फूल मारा, मेरी रूह फलक तक रोई। अच्छा, इसमें एक और वाक्या जहाँ से अल्लाह ताला ने इन्हें और इनकी बेगम को, इनकी अहलिया को बाल बाल मौत के मुंह में जाते हुए बचाया, उसका भी जिक्र है। और भी मुख्तलिफ बड़े खूबसूरत छोटे छोटे वाक्यात हैं, अरशद मलिक साहब ने अपने साथ जाने वाले लोगों का भी जिक्र किया है और अपने रूहानी जो इनके पेशवा या इनके रूहानी तौर पर जिनके साथ इनकी बहुत दोस्ती है उनका भी जिक्र किया है कि इनको मुख्तलिफ ख्वाब आते रहे हज पे जाने से पहले। तो ये जब आप पढ़ेंगे ये पूरा सफ़रनामा, आप अपने आप को वहाँ महसूस करेंगे, आप अपने आप को उसी फिज़ा में पाएंगे और जिस तरह मैं जज्बाती हो गई इसे पढ़ के और मेरे दिल में एकदम बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी कि मुझे भी फ़ौरन से पहले उम्रा या हज के लिए पहुँचना चाहिए। आपका भी दिल ऐसा ही चाहेगा। खुदा सबकी मुरादें, सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। अरशद मलिक साहब के सफ़रनामे के साथ
मतलब इनका तारुफ जो मैंने अभी पेश किया, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी इन मिलने का पता रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस, अशफ बुक एजेंसी, कमेटी चौक है। मज़ीद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनका फ़ोन नंबर भी इधर ही शेयर कर दूँगी, इनकी आईडी भी मेंशन कर दूँगी फेसबुक सोशल मीडिया पर। आइंदा के लिए, अगली किताब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।